भारतीय जनसंघ संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत मझोक सुल्तानी के बल गांव में मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस पवित्र और महान दिन को यादगार बनाने के लिए यहां पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उनके इस कार्यक्रम में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पौधारोपण कार्यक्रम करने के बाद पूर्व सीएम धूमल ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और एक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है उसका सारा श्रेय संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। वर्ष 1980 को जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था और वह मात्र 29 वर्ष में एक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बन गए थे। धूमल ने कहा कि आज सौभाग्य की बात है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है। इससे पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश का बतौर प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक देश एक संविधान का नारा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। जैसे कहा गया आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन सारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, सारा देश क्यों याद कर रहा है? जिस व्यक्ति ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही जनसंघ बाद में जनता पार्टी बना और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और इस थोड़े से समय में भारतीय जनता पार्टी आज देश के अधिकतर राज्यों में राज कर रही है। केंद्र में 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ मोदी सरकार बना चुके हैं। जो हम नारा देते हैं जो कश्मीर हमारा है वो सारे का पूरा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान ने नजायज दबाया हुआ है वो भी वापस लेना है। हम ये भी संकल्प लें आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि उनको हो गई। 370 खत्म हो गई, आओ मिलकर हमारी सरकार को फिर ऐसी शक्ति दें, ऐसा समर्थन दें कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो भी आज़ाद होकर हिंदुस्तान में शामिल हो, पूरे का पूरा कश्मीर हमारा। ये आज के दिन का सपना यही सबसे बड़ा सपना है। छोटी मोटी बातें होती रहती है, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, कोई किसी वायदे पर जीत जाता है। गरीबी हटाओ के नारे पे लोग 1971 से जीतने लगे थे, गरीबी हटी नहीं, गरीब हट रहे। तो मैं उस चर्चा में आज जाना नहीं चाहता। आज परम शहीद अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है। यह समर्पण और सेवा का भाव हमें क्या मिला इसका महत्व तो नहीं है। हमने समाज को क्या दिया, हमने देश को क्या दिया, हमने जिस मां ने हमें जन्म दिया था, जिस मातृभूमि ने हमें आगे बढ़ाया, जिसने मौका दिया देश ने, उसकी हम कितनी सेवा कर पाए अगर बहनों और भाई हमें ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो हम सही ढंग से देश को आगे बढ़ाएंगे। देश शक्तिशाली होगा, देश शक्तिशाली होगा तो हम शक्तिशाली होंगे।